नमस्कार दोस्तों, डीकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश विशेष की आज ही हमारी तीसरी कक्षा है और बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम बेसिकली जनगणना और नगरीकरण, जो जनसंख्या और नगरीकरण से संबंधित हमारे 3-4 प्रश्न हम हर बार देखते हैं, चाहे वो आपकी पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वो आपकी आरओ की परीक्षा हो, या कोई एक दिवसीय परीक्षा भी हो उत्तर प्रदेश की, वहां ये पूछे ही पूछे जाते हैं। तो मैंने क्या किया है, जो आपकी पूर्वावलोकन किताब में करीब 75 प्रश्न जनसंख्या से रिलेटेड दे रखे हैं, जो आयोग ने पिछले वर्षों की परीक्षाओं में पूछे हैं, प्लस मैंने उसके साथ आपको जनगणना का जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उत्तर प्रदेश विशेष का, वो इसमें साथ में लगा लिया है। तो हम पहले आज की क्लास का शेड्यूल ये रहेगा कि पहले हम थोड़ी देर भी 25 से 30 मिनट है ना, मतलब 25 मैक्स 25 मिनट हम लोग पढ़ेंगे डेटा को। मैं उस डेटा को आपको रिकॉल करा दूंगा, यद्यपि आप लोग सब पढ़े हुए हैं, विद्वान हैं, लेकिन फिर भी मैं उस डेटा को आपको रिकॉल करा देता हूं। उसके बाद हम प्रश्न करते चलेंगे और फिर प्रश्न करने में भी आनंद आएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं, जनसंख्या और नगरीकरण, ठीक है। ये आपकी पूर्वावलोकन का भी चैप्टर है और आपको ये तो करके ही जाना है ना, मतलब यहां से 2-3 क्वेश्चन तो मुफ्त के हैं, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो जनगणना नीति है, उत्तर प्रदेश की प्रथम जनगणना नीति कब घोषित की गई थी, 11 जुलाई 2000 को, ठीक है। ये प्रथम जनगणना नीति थी और अब जो है दूसरी जनगणना नीति भी आ चुकी है, जिससे आपके 2022 यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में भी सवाल पूछा गया था। तो प्रथम है इसलिए आपको यहां बता दिया गया है कि प्रथम जनसंख्या नीति अगर पूछ ले तो कब घोषित है, 11 जुलाई 2000 को। अभी जो हमारे जनगणना के रिसेंट आंकड़े हैं, अगर कोविड ना आता तो ये सब कार्यक्रम पुराना हो चुका होता और हम नई जनगणना के डेटा पढ़ रहे होते, 2021 की जनगणना के, लेकिन कोविड के आ जाने के कारण, कोविड के चक्कर में अभी तक जनगणना 2021 वाली नहीं हो पाई है। संभवतया लोकसभा के चुनाव के बाद उसका कार्यक्रम शुरू होगा, ठीक है। तब तक हमें, यानी हमारा 23 वाला काम और 24 वाला काम उसी चल जाएगा, मतलब अभी रिसेंट वाला जो यूपीपीसीएस और आरओ का एग्जाम होना है, आपका इसी डेटा से काम चल जाएगा। तो इसके आंकड़े आपसे डेट पूछ सकता है, कब जारी किए गए, 29 मई 2013 को फाइनल डेटा जारी किया गया था। नगर निगमों की आबादी के अनुसार बड़े 10 लाखीय नगर, जिनको मिलिए ऐसे करके बोला जाता है, लाखीय नगर करके बोलते हैं, मिलियन नगर करके बोलते हैं, वो अपने यहां कितने हैं, वो टोटल हैं अपने यहां 7। कौन कौन से, लखनऊ, कानपुर नगर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी और प्रयागराज, ठीक है। ये टोटल 2011 की जनगणना के अनुसार, ये फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है, कितने ऐसे मिलियन नगर हैं या कितने 10 लाख ये नगर हैं, तो 7 हैं। और 10 लाख से अधिक आबादी वाले कुल जिलों की संख्या, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ये नगर हैं, ये जिले हैं। तो जिलों में तो और भी आसपास की पब्लिक आ जाती है, जैसे मान लो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा तो उसमें कोई गांव भी शामिल होगा, फलानी कोई नगर पालिका भी शामिल होगी, कोई विकास खंड भी शामिल होगा, जबकि नगर निगम में सिर्फ नगर निगम वाला क्षेत्र होता है। तो नगर निगम पूछे तो 7 है, जिला पूछे तो 12 है, ध्यान रख लेना। चलिए और कुछ, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते चलते हैं, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। तो ये यद्यपि यहां भारत से आंकड़ा इन्होंने दिया है ना, ये ऑफिशियल डेटा से लिया गया है, उसी के स्क्रीनशॉट्स हैं, ठीक है। यद्यपि भारत के साथ तुलना करके है, लेकिन हम यूपी का देखते चलेंगे, तो यूपी का क्षेत्रफल मुझे पता नहीं क्यों लगता है, आज तक भारत का क्षेत्रफल तो फैक्ट में कई बार पूछा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल मैंने नहीं कोई आयोग का सवाल देखा है, तो इसको भी आप ध्यान रख लेना। 240,928 ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, 240,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और भारत का तो आप सभी लोगों को पता ही है, तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण भारत का लगभग 7.33% है, ये भी याद रख लेना। यहां कुल जनसंख्या हमारे यहां लगभग 19 करोड़ 98 लाख, ठीक है, जिसमें पुरुष जनसंख्या कितनी है आपकी, मोटा मोटा याद रख लीजिए, 52%, और महिला जनसंख्या कितनी है, जब वो 52 करेंगे तो इसको 48 कर देंगे, एग्जैक्ट डेटा याद रखेंगे तो 52.5% और 48%, ठीक है। अपन देसी भाषा, अपन ऐसे नहीं बोलते, 52.27 देसी भाषा में याद कर लो ना, याद रहेगी, 52.5% और 48%, ठीक है। और दशकीय वृद्धि जो आपकी है
वो कितनी है 20.2%। इसको भी याद रखोगे, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है पांचों, ठीक है। चलिए बाकी ये दिया है कि क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा स्थान चौथा है, सबसे पहला कौन, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फोर्थ नंबर पे आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के मामले में तो क्या ही कहने, हम ही हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। और जब जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो पुरुषों की भी होगी, महिलाओं की भी होगी। आगे चलते हैं, ठीक है। जनघनत्व क्या होता है, जनघनत्व का मतलब है एक एक किलोमीटर की मैं ये चार रेखा अगर बना दूं तो इस पूरे एरिया में, मतलब एक किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, तो हम तो घनी आबादी वाले हैं, 829 लोग हमारे यहां एक किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रह रहे हैं, जबकि पूरे भारत में 382 ही रहते हैं। ये उत्तर प्रदेश का डेटा है ना। लिंगानुपात मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक है, ये लिंगानुपात होती है। मतलब 1000 लड़के हैं तो सिर्फ 912 कन्याएं हैं, बेचारे 88 कवारे रहेंगे, क्या होगा, एक को एक ही तो मिलेगी, तो 88 कवारे रहेंगे, ठीक है। 912 उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है, जबकि भारत का लिंगानुपात कितना है, 943, ठीक है। उसके साथ और भी खतरनाक स्थिति तो यहां है आपके आने वाले बच्चों के लिए है, क्या 0 से 6 वर्ष की आयु के बीच में लिंगानुपात कितना है, 902 है, यहां और 10 घट गया, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए फिर साक्षरता दर हमारे यहां कितनी है, साक्षरता दर याद रखोगे 67.7% साक्षरता है, और 67 में से 7 बढ़ा दो तो 77% लगभग पुरुष साक्षर हैं, और 67 में से 7 घटा दो तो लगभग 57% महिला साक्षर हैं। देख लो 77.3%, 57.3% ये पुरुष साक्षरता, ये महिला साक्षरता। और नगरीकृत जनसंख्या कितनी है, तो वो है 22.3%, ठीक है। यही नगरीकृत के साथ साथ आपको ग्रामीण जनसंख्या भी देख लेनी है, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो गांव में लोग कैसे रहते हैं, गांव में सर लोग साथ साथ रहते हैं, तो यहां भी साथ साथ है, 7.7%, ठीक है, 77.7% ग्रामीण जनसंख्या है, और बची हुई क्या हो जाएगी, नगरीय जनसंख्या हो जाएगी, जबकि भारत के संबंध में यह आंकड़ा अलग है। तो हमें अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश का ही याद रखना है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश विशेष में पढ़ रहे हैं, तो हमारे यहां उत्तर प्रदेश में गांव में कितने प्रतिशत लोग रहते हैं, तो गांव में जी 7-7 लोग रहते हैं, 77.7% हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये आ गई ग्रामीण जनसंख्या 77.7%, फिर ग्रामीण साक्षरता दर, इसको आप स्किप कर सकते हैं, कोई विशेष फैक्ट नहीं है, है ना। मैं यहां आपको देखो, हो सकता है कि टपक पड़े एग्जाम में, लेकिन मैं यहां आपको जो जिसको कहना चाहिए BVIMP लिखते थे ना बचपन में किसी सवाल के आगे, BVIMP मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वैसे ही फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। चलो अनुसूचित जाति जो शेड्यूल कास्ट है वो उत्तर प्रदेश में कितनी है, 20.7% है, जबकि अनुसूचित जनजाति जो शेड्यूल ट्राइब होती है वो 0.6% ही है। तो याद रख लेना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके आसपास भी एससी कम्युनिटी के काफी लोग होंगे, ठीक है, लेकिन एसटी आपको देखे देखे ही मिलते होंगे कहीं कहार। कुछ जिले अगर छोड़ दें, जैसे सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति आपको सोनभद्र जिले में मिलेगी, इस प्रकार के भी सवाल अभी हम आगे देखेंगे, तो उत्तर प्रदेश में जनजातियों की संख्या अपेक्षाकृत उतनी नहीं है, ठीक है। अनुसूचित जाति तो आपको काफी लोग मिल जाएंगे, तो 20% है और ये 0.6% है, मोटा मोटा भी याद रख लोगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी नगरीय जनसंख्या ये हो गई, ये हो गई, ये तो हम पीछे देख ही आए। आगे चलते हैं, अब आ गए जनगणना वर्ष, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात, उत्तर ये एक एक क्या कहते हैं सामरिक टेबल है, जिसके माध्यम से हम चीजों का तमीज से अध्ययन कर सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर लिंगानुपात देखें, तो सर अभी आप हमें गरिया रहे थे कि 912 है, लेकिन हमारे पूर्वज तो हमसे भी ज्यादा शैतान है, मतलब आंकड़े ऐसा बोल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, घर पे जाके कह लो, फिर पता लगे डंडा पड़ जाए उछलता हुआ, फिर मेरा नाम लगाओ। तो 1971 में जो जनसंख्या अनुपात था 876 था, 81 में थोड़ा सा बढ़ गया, 91 में फिर घट गया, 2001 में फिर बढ़ गया, और अब लगातार बढ़ते हुए क्रम में है, है ना। अब कितना है, 912 है। यहां से एक फैक्ट पूछा गया था कि कितने अंकों की वृद्धि हुई है जनसंख्या अनुपात में, तो आपको पता होना चाहिए 14 अंकों की वृद्धि हुई है, क्योंकि 2001 में 898 था, अब कितना हो गया है,
912। ठीक है, आगे देख लेते हैं दशकीय वृद्धि कितनी कितनी रही है। तो आपसे एक फैक्ट पूछा जाता है, सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि निम्न में से किसके बीच में रही है। तो याद करो 1990-91 का दौर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, है ना, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी आ गया, हम भी लिबरल हो गए, है ना, हम भी लिबरल हो गए और हमने क्या करा, जनसंख्या वृद्धि ज्यादा कर ली। ठीक है, मतलब बोले चलने दो एक आध और, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो 1991 से 2011 वाले जनसंख्या वृद्धि, दशकीय वृद्धि सबसे ज्यादा थी, कितनी थी, 25.85%। ये मैं एलपीजी क्यों बताया, ताकि आप एग्जाम में आए तो ध्यान रख पाओ, कह रहे मास्टर बकवास कर रहा था, एलपीजी करके बता रहा था कि हम भी उधार हो गए, देश भी उधार हुआ, तो ज्यादा ज्यादा भाव भाव में हो गया मामला। ठीक है, तो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि इसमें है। फिर देख लेते हैं साक्षरता दर, ये एक बहुत अच्छी स्थिति का साइन है कि साक्षरता दर हमारी लगातार बढ़ रही है। ठीक है, हम लगातार साक्षर हो रहे हैं। फिर जनघनत्व भी देख लीजिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए जनघनत्व भी लगातार बढ़ रहा है। तो ये फैक्ट के तौर पर भी आपसे पूछा जा सकता है कि आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व लगातार बढ़ा है, सही है। आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर लगातार बढ़ी है, सही फैक्ट है। आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश की क्या कहते हैं, लिंगानुपात लगातार बढ़ा है, गलत फैक्ट है। क्यों? क्योंकि लिंगानुपात यहां कम हुआ, फिर बढ़ गया, फिर कम हुआ, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया। तो ये इस हिसाब से भी आपसे फैक्ट पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब उत्तर प्रदेश की जनगणना के प्रमुख आंकड़े और ये सब आ गया। तो जनगणना इतनी है, पुरुष इतनी है ना, महिला इतनी, जनसंख्या वृद्धि दर 20.2 या 20.23%। ठीक है, और कितना गिरावट हुई है उसमें, -5.7%। क्यों? क्योंकि पिछले वाले में कितनी थी, अभी देख के आए थे, 25.8 समथिंग थी देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत। तो याद रखोगे क्षेत्रफल का कुल प्रतिशत 7.33% है, जबकि जनसंख्या का कुल परसेंटेज हमारे यहां टोटल कितना आदमी रह रहा है, 16.5%। ठीक है, चलो लिंगानुपात हमने देख ही लिया, 912 है और पिछली बार से 14 पॉइंट ज्यादा है। बाल लिंगानुपात 902 है, जो पिछली बार से, जो क्या कहते हैं आपका, बाल लिंगानुपात 902 है जो पिछली बार से 14 कम है, मतलब समझ रहे हो, बाल लिंगानुपात घट गया है, तो वो 14 ज्यादा है और बाल लिंगानुपात 14 माइनस है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व 829 है, देखी आए क्षेत्रफल देखा है, इसको तो भाई याद कर लेना, पता नहीं मेरी गट फीलिंग क्यों कह रही है ये सवाल पूछेगा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 240,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 829 को याद रख लेना, जनसंख्या घनत्व है, बच्चों की जनसंख्या, इन डाटों से हमें कोई मतलब ज्यादा नहीं है। पूरे प्रदेश की साक्षरता तो मैंने बता दी, 67% पूरे देश की है, 10 बढ़ा दो 77% पुरुषों की है, 10 घटा दो 57% महिलाओं की है। ठीक है, संख्या आपसे कभी नहीं पूछेगा कि कुल साक्षरों की संख्या कितनी है, ये डेटा नहीं पूछेगा। जीवन प्रत्याशा, उत्तर प्रदेश में जीवन प्रत्याशा कितनी है, सर पहले तो ये बता दो जीवन प्रत्याशा होती क्या है, तो जीवन प्रत्याशा क्या है ना, जितना आदमी जी पा रहा है, जैसे मान लो मैं अधिकतम कितना जी पाऊंगा, तो ये मेरी जीवन प्रत्याशा है। तो जीवन प्रत्याशा क्या है उत्तर प्रदेश की, एक नॉर्मलाइज एज, जितनी एज तक, मतलब इसमें क्या है, हमने जितनी जितनी उम्र में लोग मरे उनका निकाल के टोटल का सम करके एवरेज निकाल लिया, वो जीवन प्रत्याशा है। यहां भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कुल जीवन प्रत्याशा कितनी है, कुल जीवन प्रत्याशा तो आपकी है 62.7 वर्ष, मतलब 63 वर्ष या 63 वर्ष याद रख सकते हो। पुरुषों की जीवन प्रत्याशा कितनी है, 1 साल घट गई भाई साहब, 61.8, और महिलाओं की कितनी है, 1 साल बढ़ गई, समझ रहे हो, महिलाएं ज्यादा जीती हैं पुरुषों की तुलना में, ये चचा ये कहना चाह रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं, जनगणना के आंकड़े हैं। ठीक है, तो लगभग 63 वर्ष जीवन प्रत्याशा है, जिसमें 1 साल बढ़ा लो तो महिलाएं ज्यादा जी रही हैं, याद रखना पुरुष बेचारे कम जी रहे हैं। ठीक है, तो यहां पुरुषों के सशक्तिकरण की आवश्यकता है। चलिए अब आ जाते हैं कुछ प्रमुख फैक्ट जो आपकी परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक साक्षर जिले, सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहां रह रही है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहां रह रही है, इस प्रकार के कुछ फैक्ट्स। आप देख रहे हैं सर्वाधिक जनसंख्या, देखो तीनों बाद वाले हैं, सबसे पहले इलाहाबाद है, फिर मुरादाबाद है, फिर गाजियाबाद है। ठीक है, तीनों
आदवाद वाले हैं। तो पहला सही करने का तो तरीका आपका ये हो गया एग्जाम में अगर क्रम से लगाने को आए तो, कि तीनों बादवाद हैं। इलाहाबाद को आजकल प्रयागराज नया नाम है, तो आपको संभवतया प्रश्न पुस्तिका में प्रयागराज ही लिखा मिलेगा। इलाहाबाद, दूसरे पे मुरादाबाद, तीसरे पे गाजियाबाद। ठीक है, ये तो हो गई सर्वाधिक। अब सबसे कम जनसंख्या कहां है, तो महोबा है ना, माहोबा मतलब यहां क्या हुआ है क्या कोई, जैसे मैंने महोबा को याद कर रखा है मा हुआ। ठीक है, हुआ है, मैं वहां नहीं रहूंगा, वहां से ऐसे कह के लोग भग जाते हैं, इसलिए वहां महोबा में क्या है, सबसे कम जनसंख्या है। और महोबा के बाद चित्रकूट है ना, वो भी कूटने जैसे ही है, मतलब नाम भी इनके ऐसे ही है ना कि कनेक्ट कर लो, महोबा गिरा हुआ है इसलिए वहां सबसे कम जनसंख्या है, फिर चित्रकूट वहां लोगों को कूटा जा रहा है इसलिए कम है, तीसरे नंबर पर हमीरपुर आ जाता है। तो है ना, इसको भी याद रखोगे, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, बेसिक फैक्ट हैं। फिर सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या तो इलाहाबाद में है ना, ये शायद आजमगढ़ नहीं होगा, एक बार देख लेना, इलाहाबाद में है, गाजियाबाद में है, ये मुरादाबाद ही होगा। सर्वाधिक महिला जनसंख्या के मामले में आओगे तो इलाहाबाद, आजमगढ़ और तीसरे नंबर पे जौनपुर आ जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे जौनपुर आ जाता है। ठीक है, चलिए नगरीय जनसंख्या तो भारत की भी साथ साथ दी हुई है, लेकिन फिलहाल हम उत्तर प्रदेश की देखते चलेंगे। तो अभी देख के आए थे गांव में तो लोग साथ साथ रहते हैं, मतलब 77.7% ग्रामीण है, तो बची हुई नगरीय हो जाएगी कितनी, 22.3%। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले गाजियाबाद, पूरा जिला पूरा गाजियाबाद एकदम नगरीकृत है ना, गांव की संख्या वहां बहुत कम है, लखनऊ और तीसरा कौन सा हो जाएगा, कानपुर नगर। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या श्रावस्ती देखोगे ना, साक्षरता में कम है, और भी बहुत सारे मतलब जितने भी निगेटिव से फैक्ट है ना एक तरह से, वो श्रावस्ती के लिए है। कोई श्रावस्ती से हो तो बुरा मत मानना मेरी बात का, मैं सिर्फ याद कराने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या तो श्रावस्ती को मैं कनेक्ट कर लेता हूं झुग्गी बस्ती से। ठीक है, मतलब दिल पे नहीं लेनी है बात, याद करने के लिए समझ लेना है, श्रावस्ती मतलब झुग्गी बस्ती। अब झुग्गी बस्ती में क्या होगी जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या न्यूनतम होगी कि नहीं होगी। ठीक है, दूसरा चित्रकूट में, तीसरा कौसाम्बी में, तो इनको भी इस फैक्ट को भी याद रखोगे। फिर नगरीय के बाद ग्रामीण जनसंख्या, तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में कितना है, 7-7 लोग रहते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां हो जाएगी, इलाहाबाद में, आजमगढ़ में, जौनपुर में। फिर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहां हो जाएगी, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। कॉमन सेंस से भी सोचो, नोएडा में क्या गांव होंगे, वो तो पूरा ही नगरीकृत हो गया है। तो गौतम बुद्ध नगर, महोबा और हमीरपुर, यहां पर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या पाई जा रही है। चलिए आगे चलते हैं, दशकीय वृद्धि दर भारत की 17.7 है और उत्तर प्रदेश की 20.2 या 20.23 है। ठीक है, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, अब देखो गौतम बुद्ध नगर है, क्यों नगरीय है, वहां लोग जा जाके और भी बस गए, तो वहां सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है, क्यों, क्योंकि शहरी एरिया हो गया इसलिए। फिर दूसरे नंबर पे गाजियाबाद है, तीसरे नंबर पे श्रावस्ती है। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर, सबसे कम दशकीय वृद्धि दर कहां देखी गई है, कानपुर नगर में देखी गई है, फिर हमीरपुर में और फिर बागपत में। तो ये फैक्ट के तौर पर आप चीजें, आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को 2-3-4 बार देख जाइएगा, ताकि आपके फैक्ट भी स्ट्रांग हो जाए, प्लस फैक्ट के साथ साथ प्रश्न भी अभी हम आगे करेंगे, पूर्वावलोकन वाले जो हमारे प्रश्न हैं वो भी होते चले। आगे चलते हैं, जनघनत्व, तो जनघनत्व कितना है उत्तर प्रदेश का, 829, और भारत का भी यहां आपको दिया गया है 382। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व कहां है, तो गाजियाबाद में। अगर आप चले जाओ गाजियाबाद के आसपास, देखो लोग पतली पतली गलियों में, गाजियाबाद में कभी परीक्षाओं के सेंटर पड़ जाते हैं ना, सेंटर ढूंढना मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, तो बहुत घना बसा हुआ है, तो सर्वाधिक जनघनत्व गाजियाबाद में है। दूसरे बार बनारस की तो गाना भी है ना, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझमें, मतलब क्या है कि पतली पतली गलियां हैं, भाई भटक रहा है ढूंढने को, तो क्या है वहां भी जनघनत्व ज्यादा है, मतलब सोचो ना पतली पतली गली में लोग रह रहे हैं छोटे छोटे मकानों में, तो जनघनत्व ज्यादा ही होगा। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर जो जनघनत्व है वो लखनऊ का है। फिर न्यूनतम जनघनत्व, अब ललितपुर को देखोगे तो ये भाई साहब इस तरीके से उत्तर प्रदेश में नीचे की तरफ लटके हुए हैं, जब लटके हुए हैं तो आदमी कह रहा है भाई साहब यहां पर मत रहना, गिर जाओगे। जनघनत्व मतलब
मतलब वहां लोग दूर दूर रह रहे हैं, तो सबसे कम जनघनत्व किसका है? ललितपुर का है, फिर सोनभद्र का है। ठीक है, याद कैसे रख सकते हो? देखो एक तरफ ललितपुर लटका हुआ है, सोनभद्र को देखोगे तो वो भी दक्षिण की तरफ सबसे कोने में है, सोनभद्र। ठीक है, तो ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, आप केवल पहले दूसरे भी याद कर लो ना, तब भी काम चल जाता है परीक्षा में। ठीक है, पहला दूसरा याद करके भी परीक्षा में काम चल जाता है, आगे प्रश्न के माध्यम से हम देखेंगे। चलिए फिर साक्षरता दर पे आ जाते हैं, तो साक्षरता दर में कुछ है ही नहीं, 67 है, 10 बढ़ा दो पुरुषों की है, 10 घटा दो महिलाओं की है। अब सर्वाधिक साक्षरता दर कहां है? तो जो नगरीकृत सबसे ज्यादा होगा वहां सर्वाधिक साक्षरता दर होगी, दूसरे नंबर पे कानपुर नगर की साक्षरता दर है और तीसरे पे औरैया है। न्यूनतम साक्षरता दर क्या होगी? देखो श्रावस्ती है, अभी श्रावस्ती को हमने पहले पीछे पढ़ा था, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या थी। जब ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा होगी तो सामान्यतया गांव के लोग नगरों की अपेक्षा कम पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब यार इन चीजों को मैं जो बोल जाता हूं ना, इनकी वो अदरवाइज मत ले लेना। ठीक है, चलो तो न्यूनतम साक्षरता दर श्रावस्ती न्यूनतम साक्षरता दर में भी है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो निगेटिव डेटा का साउंड दे रहा हो तो श्रावस्ती आंसर लगा आना, अगर नहीं पता हो। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, ठीक है, ये न्यूनतम साक्षरता वाले हैं। फिर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, तो ये भी गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, दूसरे नंबर पर औरैया है, फिर गाजियाबाद है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर में भी श्रावस्ती सबसे ज्यादा है, इसमें डेटा सेम है, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। फिर आ जाते हैं सर्वाधिक महिला जनसंख्या में, तो ये याद रखना, फैक्ट टू बी रिमाइंड, ठीक है, याद रखने योग्य तथ्य है कि सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर की है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी गौतम बुद्ध नगर की है, लेकिन सर्वाधिक महिला साक्षरता कहां है आपकी? कानपुर नगर की है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर लखनऊ की है, फिर गौतम बुद्ध नगर का नंबर आता है। मतलब महिलाओं की साक्षरों के मामले में क्या है, कानपुर नगर आगे है, फिर न्यूनतम महिला साक्षरता में तो डेटा सेम ही है। सर्वाधिक साक्षरों की संख्या, अब इनमें क्या अंतर हो गया? इनमें अंतर हो गया कि यहां तो है न्यूनतम साक्षरता और वो, ठीक है, जिले के हिसाब से, अब सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी कहां रह रहे हैं? तो आप याद करो, अगर पहले, आज से 10 साल पहले किसी को सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी होती थी तो उसको सजेशन दिया जाता था इलाहाबाद चले जाओ। ठीक है, तो सर्वाधिक पढ़े साक्षरों की संख्या कहां है? इलाहाबाद में है। जो हो गया हो गया, जो नहीं रह गया वहीं बस गया, तो साक्षर तो है ही है भाई, मतलब याद करने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, दूसरे नंबर पर कानपुर नगर, क्यों? महिलाएं साक्षर है यहां की, सबसे ज्यादा साक्षरता महिलाओं की कानपुर नगर की है। जब महिलाओं की साक्षरता कानपुर नगर की ज्यादा है तो महिला पढ़ी हुई कहते हैं ना, एक महिला अगर पढ़ लेगी तो पूरे खानदान को पढ़ा लेती है। और तीसरे नंबर पे लखनऊ है। न्यूनतम साक्षरों की संख्या, फिर श्रावस्ती आएगी, महोबा और चित्रकूट। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं लिंगानुपात पे। लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का कितना है? 912 है, याद रखोगे, पिछली बार से 14 पॉइंट ज्यादा है। और शिशु लिंगानुपात कितना है? 902 है, जो पिछली बार के उत्तर प्रदेश से 14 पॉइंट कम है। साथ ही साथ भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है, उत्तर प्रदेश का 912 है। वहीं शिशु लिंगानुपात भारत का 919 है और उत्तर प्रदेश का 902 है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहां है? जौनपुर में है, है ना, याद कर लोगे इसको, जौनपुर में है और 1024 है। यह भी एक बार परीक्षा में पूछा गया है कि सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? जौनपुर का तो है ही है, लेकिन कितना है? तो जौनपुर का 1024 है, उसके बाद आजमगढ़ है, उसके बाद देवरिया है। ठीक है, फिर न्यूनतम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात कहां है? तो गौतम बुद्ध नगर में है। देख रहे हो कितने क्या कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा है कि सर्वाधिक साक्षर वहां थे, सर्वाधिक पुरुष साक्षर वहां थे, लेकिन पढ़े लिखे आदमी होने के बावजूद भी न्यूनतम लिंगानुपात आपका गौतम बुद्ध नगर में है। तो याद रखोगे, अब जब इसका डेटा पूछा गया है तो हो सकता है इसका भी डेटा पूछ ले। कितना है? 851। दूसरे नंबर पर कौन है? बागपत। तीसरे नंबर पर कौन है? हमीरपुर। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहां है? बलरामपुर में है। मैंने ऐसे याद कर रखा है, बलरामपुर से बालक जैसी साउंड आ रही है, तो बालक सबसे ज्यादा कहां है? बलरामपुर में है। बालक नहीं है लेकिन शिशु लिंगानुपात है, तो शिशु लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहां है? बलरामपुर में है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहां है? बागपत में है। ठीक है, बागपत में है, तो बागपत, बलरामपुर, इस दिमाग से आप याद कर लेना। इनके दूसरे तीसरे छोड़ भी दोगे चल भी जाएगा। आगे चलते हैं, अब आ गए अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट पूरे भारत में है, 16.6%
6% और उत्तर प्रदेश में आपकी 20.7%। अब एक फैक्ट के तौर पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वहां आपको दे देगा अनुसूचित जातियों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक पूरे भारत की जनसंख्या उसकी अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश। फिर दूसरा फैक्ट आपको दे सकता है अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता के मामले में उत्तर प्रदेश भारत से आगे है। तो प्रतिशतता के मामले में आगे है। सब सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहां रहती है, सीतापुर में रहती है। ठीक है, मैंने ऐसे याद कर रखा था कि सीता माँ है, उन्होंने अपने पास सारी अनुसूचित जातियों को रख रखा है कि तुम मेरे पास रहो। तो सबसे ज्यादा सीतापुर में है। न्यूनतम कहां है, तो न्यूनतम बागपत में है, मैंने ऐसे याद कर रखा है। फिर कह रहा हूं अदरवाइज मत लेना, पहले के समय में क्या होता था आपको पता है। ठीक है, मतलब छुआछूत जैसी समस्या थी, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल आएगा, आर्टिकल 17 के अस्पृश्यता का अंत होगा। उसके साथ साथ भी और भी कानून नियम बनाए गए इस चीज को रोकने के लिए। लेकिन पुराने समय में मान लो कोई बाघ है और वहां क्या होता था, वहां शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को नहीं जाने दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपना याद कर सकते हो कि बाघ है ना, बाघ है इसलिए वहां न्यूनतम अनुसूचित जाति होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप दिमाग में चीजें रख सकते हो। तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति कहां है, सीता माता के पास है, सीतापुर में है। और न्यूनतम अनुसूचित जाति कहां है, वो आपका बागपत में है। दूसरे नंबर पे इधर श्रावस्ती हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। फिर सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत की बात आ गई, तो प्रतिशत अगर देखेंगे तो प्रतिशत है आपका कौशाम्बी में, और न्यूनतम प्रतिशत में बागपत सेम है। तो इनके आप पहले पहले भी याद रखोगे, काम चल जाएगा। ठीक है, ये सर ये मैं कंफ्यूज हो गया, प्रतिशत और इसमें क्या अंतर है। देखो मतलब यहां 10,000 लोग रह रहे हैं, मान लो यहां 10,000 लोग रह रहे हैं और 10,000 में से 2,000 SC कम्युनिटी के हैं, लेकिन इस जिले की जनसंख्या ही मान लो 4,000 है और 4,000 में से 1,900 लोग क्या हैं, SC कम्युनिटी के हैं। तो यहां लगभग 50% हो गए, और यहां जबकि ये कितने हैं, 20% ही हैं, लेकिन संख्या के मामले में तो यहां ज्यादा हैं और प्रतिशतता के मामले में यहां ज्यादा हैं। इनमें बेसिकली ये अंतर है। आगे चलते हैं, अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति पूरे भारत में जब बहुत है जबकि उत्तर प्रदेश में बहुत कम है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में देखोगे सोनभद्र है, मैंने आपको पीछे भी ये फैक्ट बताया था, याद रखना। न्यूनतम अनुसूचित जातियां भी बागपत में ही है और जनजातियां मिनिमम दोनों बागपत है, इनको भी याद रखना। अब प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक सोनभद्र ही है, प्रतिशत के मामले में डेटा सेम है, दूसरा तीसरा डेटा शायद बदल जाएगा। ठीक है, हमें बेसिक याद रखना है पहला पहला, और ज्यादा इससे ज्यादा आप करोगे ना तो शायद ही रख पाओगे। मैं भी कोई महान आत्मा हो सकती है जिसको सारी चीजें याद हो, है ना, मैं भी कोई महान आत्मा हो सकती है जिसको सारी चीजें याद हो, लेकिन भाई साहब मैं तो बहुत सूक्ष्म आत्मा हूं, छोटी आत्मा हूं, तो जितना करता हूं उतना ही आपको बता देता हूं कैसे करेंगे। आगे आ जाते हैं, सर्वाधिक स्लम जनसंख्या भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, 4th है हमारे यहाँ, लगभग 9.5% यानी 9.5% क्या है, स्लम जनसंख्या है। ठीक है, और पहले कौन कौन से है, महाराष्ट्र में, ठीक है, मुंबई के पास जो झुग्गी बस्ती वाली बस्ती है उस बस्ती का नाम बताओ, चलो सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है उसे, कमेंट के माध्यम से बताना। दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पश्चिम बंगाल, चौथे पे उत्तर प्रदेश का स्थान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में धर्म आधारित जनसंख्या, देख रहे हो कलर भी, उत्तर प्रदेश में 2011 के हिसाब से धर्म आधारित, तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ हिंदू हैं, हिंदू कम्युनिटी है, उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी है, उसके बाद सिख है, उसके बाद ईसाई है, फिर जैन है, फिर बौद्ध है। तो सबसे कम कम्युनिटी कौन सी है, बौद्ध। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो जो नारा देते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, वही वाला सिस्टम जनसंख्या के क्रम में भी है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन भारत की जनसंख्या में शायद इन दोनों में ऊपर नीचे है, एक बार जब भारत की पढ़ रहे होंगे तो देख लेंगे। धर्म आधारित जनसंख्या, तो सर्वाधिक जनसंख्या हिंदू धर्म तथा सबसे कम जनसंख्या बौद्ध धर्म की है, फैक्ट टू बी रिमाइंड, याद रखने योग्य तथ्य। धार्मिक जनसंख्या के घटते क्रम में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन और बौद्ध, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता दर जैन धर्म में है, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, याद रखना। सर्वाधिक साक्षरता दर जो है वो जैन धर्म में है, और मिनिमम साक्षरता दर जो है वो मुस्लिम धर्म में है, ठीक है, मिनिमम साक्षरता दर है मुस्लिम धर्म में है। फिर सर्वाधिक लिंगानुपात अगर पूछ ले तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहां है, ईसाई धर्म में है, और मिनिमम लिंगानुपात कहां है, सिख धर्म में है। ये फैक्ट भी बड़ा बढ़िया सा फैक्ट है, आपकी परीक्षा में पूछे जाने योग्य फैक्ट है, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं कुछ जिले
है ना, कुछ ऐसे जिले जो कई कई मामलों में टारगेटेड हैं उनको भी पढ़ लेते हैं, उनको भी एक साथ देख लेते हैं, ताकि जो है पानी भी नहीं गया था भाई, ताकि जो है आपको एक साथ चीजें मिल जाए। ठीक है, देखो जैसे इलाहाबाद है तो ये किस किस में है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है ना, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या भी है। ठीक है, सबसे ज्यादा पुरुषों की जनसंख्या, महिलाओं की जनसंख्या तो होगी, जब सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो पुरुष भी तुम्हारे पास होंगे, महिला भी तुम्हारे पास होंगे, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या भी है। और सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या कहां थी, गौतम बुद्ध नगर में थी। और सर्वाधिक साक्षरों की संख्या भी, ये भी फैक्ट मैंने आपको कैसे याद कराया था कि पहले सिविल सर्विस की तैयारी इलाहाबाद करने जाते थे, जो लोग नहीं हो पाते थे वहीं रुक जाते थे, सबसे ज्यादा साक्षर वहीं हो गए। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध नगर तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि के मामले में गौतम बुद्ध नगर था, मैंने आपको बताया कि शहरीकृत हो गया, बढ़ा दी जनसंख्या, सर्वाधिक साक्षरता दर भी है, शहरी है इसलिए पढ़ा लिखे भी लोग ज्यादा हैं, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है, जबकि महिला साक्षरता प्रभु यहां सबसे ज्यादा नहीं थी, वो कानपुर नगर में थी, न्यूनतम लिंगानुपात है, ये दोनों विरोधी फैक्ट है, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, जब शहरी ज्यादा है तो ग्रामीण कम होगी, और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात भी यहीं पर है। फिर कानपुर नगर की क्या है, न्यूनतम दशकीय वृद्धि है, और सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि आपकी कहां थी, गौतम बुद्ध नगर की थी, और न्यूनतम कानपुर नगर की है, तो दोनों में नगर नगर है, और सर्वाधिक महिला साक्षरता कानपुर नगर की है, पीछे भी हमने देख लिया। बलरामपुर तो बालकों जैसी साउंड आ रही है, तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात और सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात बलरामपुर में ही है। गाजियाबाद में क्या क्या है, सबसे ज्यादा जनघनत्व तो मैंने आपको बता दिया, सेंटर ढूंढने में गाजियाबाद में दिक्कत रहती है ना, तो पतली पतली गली है, दूसरा तू बंजा गली बनारस की, मतलब दूसरे नंबर पे वाराणसी है। ठीक है, फिर न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता भी यहीं पे ही है, गांव वाले ग्रामीण मतलब गांव बहुत कम है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या भी यही है, और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, तो सेम सेम फैक्ट हो गए। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या दोनों यही है। फिर श्रावस्ती, देखो सारे नेगेटिव मतलब मैक्सिमम नेगेटिव फैक्ट है, देखो न्यूनतम साक्षरता दर नेगेटिव फैक्ट हो गया, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर, न्यूनतम साक्षरों की संख्या, न्यूनतम महिला साक्षरता, सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता, ये नेगेटिव फैक्ट नहीं है, ये अच्छा फैक्ट है कि सर्वाधिक ग्रामीण लोग यही हैं। ठीक है, न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या यही है, न्यूनतम नगरीय प्रतिशतता भी यही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, फिर आगे आपका बागपत, तो न्यूनतम क्या हो जाएगा, एससी, न्यूनतम एसटी दोनों हो जाएंगे, एससी न्यूनतम एसटी, न्यूनतम एससी प्रतिशतता, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात। ठीक है, और मैक्सिमम शिशु लिंगानुपात कहां था, बलरामपुर में था। आगे देखते हैं, अब आ गए आपके प्रश्न, तो यहां से अब आपके जो पूर्वावलोकन वाले प्रश्न हैं, इससे पहले हमने शेयर सारा डेटा सारे फैक्ट्स को कवर कर लिया, मुझे उम्मीद है कि 25 मिनट लगभग लग गए होंगे ये सारा डेटा फैक्ट कवर करने में। ठीक है, अब चलिए, अब लगभग 75 प्रश्न हमें करने हैं, 50 मिनट में ये क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रश्नों के माध्यम से, और कुछ अगर फैक्ट आएंगे और कुछ चीजें आएंगी तो हम उनको भी समझते चलेंगे। चलिए, भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्र अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो फोर्थ स्थान उत्तर प्रदेश का है, और लगभग कितना क्षेत्रफल हम घेर रहे हैं, 7.33%। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है, राजस्थान है, और दूसरे नंबर पे कौन है, आज तो इलेक्शन के रिजल्ट भी आ रहे हैं ना, चलिए दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे आपका है राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा स्थान है, फोर्थ है। आगे देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई है, तो 11.45% की वृद्धि साक्षरता दर में हुई है। ठीक है, वर्तमान में साक्षरता दर कितनी है, 67.7 थी। ठीक है, चलो तो कितनी वृद्धि है, 11.45, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नीचे फैक्ट भी लिखे हुए हैं जो है,
आगे देखते हैं, यूपी में 2011 में भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है, तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर पूछ रहा है कितनी है, तो मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है 67.7 या 67.68%, 10% बढ़ा लो, 67 का 10 बढ़ाओ, 77% पुरुष साक्षर है, 10 घटाओ, 57% महिला साक्षर है। आगे चलते हैं, 1991 से 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश की साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशत वृद्धि हुई, वर्तमान में पूछ ले कितनी हुई है, तो पीछे भी सवाल देख के आए हैं 11.45। ये सवाल अब के हिसाब से बेकार है क्योंकि अब पूछा नहीं जाएगा, तो अभी का हम याद रखेंगे, पीछे भी हमने देखा कितनी वृद्धि हुई है 11.45% की, और कितने प्रतिशत साक्षर हैं, तो 67.68 या 67.68%। आगे चलते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी है, हमें नहीं पता 2001 की कितनी है, अब कितनी है 77.3%, ठीक है, अब की वाली को याद रखोगे। आगे चलते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता कितनी है, तो 2001 को मारो गोली, 2011 में देखो टोटल 67, 10 बढ़ाओ 77 पुरुष, 10 घटाओ 57 महिलाएं, तो कितनी है 57.3 महिला साक्षरता है ना, तो इस फैक्टर को याद रखोगे 57.3%। चलिए आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी है, तो पुरुष साक्षरता कितनी है इसमें तो कोई फैक्ट दिया ही नहीं है, ये शायद अनंतिम जनगणना के, हाँ क्योंकि 2013 में आंसर पूछा गया है और 29 मई 2013 को तो हमारे डेटा अंतिम जनगणना के प्रकाशित हुए थे। देखो होता क्या है, जनगणना होने के बाद पहले होते हैं अनंतिम डेटा प्रकाशित, अनंतिम मतलब सेकंड लास्ट मान लो, फिर होते हैं अंतिम डेटा प्रकाशित, तो ये अनंतिम के हिसाब से प्रश्न बना हुआ होगा। अब अंतिम डेटा हमारे पास है तो हम उसी को ध्यान रखेंगे, पुरुष साक्षरता कितनी है 77.3%। आगे चलते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बकवास सवाल है, है? हर जिले की साक्षरता कैसे याद रख सकते हो यार, है ना, जनपद और महिला साक्षरता कैसे याद रख सकते हो, तो तुम अपने जिले की याद नहीं होगी, मुझे नहीं याद है, है ना, तो ये बकवास सवाल है, इसको छोड़ देते हैं, ऐसे सवाल आए तो आंख बंद करके छोड़ाना भाई साहब, फिर हाथ जोड़ना हूं गलती होने की संभावना ज्यादा होगी। चलो आगे, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए, उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती जा रही है, ठीक है, ये जा है 22 नहीं, बढ़ती जा रही है, तो ये फैक्ट मैंने आपको कहा भी जब मैं वो टेबल बता रहा था, तो मैंने आपको बताया भी, देखो साक्षरता दर और जनघनत्व ये निरंतर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, महिलाओं में साक्षरता दर में वृद्धि पुरुषों की वृद्धि के अनुरूप समगति नहीं है, ठीक है, तो ये बात सही है ना, और साक्षरता दर बढ़ रही है लेकिन ये इसका कारण तो नहीं होगा, तो नवे प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है पर उसकी सही व्याख्या नहीं है, है ना, मतलब इन वाले प्रश्नों में कथन कारण में बीच में क्योंकि लगा के देखो, क्योंकि तो क्योंकि से बात फिट नहीं बैठेगी तो बात खत्म हो जाएगी यहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर थी, भारत की औसत साक्षरता दर से अधिक, ज्यादा तो होगी नहीं, राजस्थान से अधिक, ओडिशा से कम, बिहार से कम, ठीक है, शैतान सवाल है, तो उस हिसाब से इसका आंसर उस समय क्या था, ओडिशा से कम थी, ठीक है, ओडिशा की जन वो जो है ज्यादा पढ़ी लिखी थी ओडिशा की जनसंख्या, तो उस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर सी था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, अब देखो सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला हम देख के आए थे कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है, देखो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, ठीक है, तो मतलब गौतम बुद्ध नगर है फिर कानपुर नगर है, तो अब इसमें गौतम बुद्ध नगर नहीं दिया है इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कानपुर नगर, ठीक है, उसके बाद औरैया है, इटावा है, फिर गाजियाबाद है, कानपुर नगर भी ऑप्शन में ना होता तो हम औरैया लगाते, तो 11वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी कानपुर नगर। 2011 की अनंतिम, अब देखो ये देखो प्रश्न कब पूछा गया है, 2011 में ही पूछा गया है, मतलब लास्ट तक आते आते अनंतिम डेटा प्रकाशित हो गए होंगे, है ना, तो अनंतिम मतलब सेकंड लास्ट वाले, वर्तमान में इनका कोई औचित्य नहीं है, क्यों, क्योंकि जब अंतिम आंकड़े आ गए तो उनका कोई औचित्य नहीं है, अगर कोविड ना आता
तो अभी तक भी हम अनंतिम वाले ही डेटा पढ़ रहे होते 2021 की जनसंख्या के, ठीक है, शुक्र मनाओ कोविड का कि आपको नए डेटा नहीं याद करने पड़ रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद है, तो सबसे ज्यादा साक्षरता हम देखेंगे। अब सवाल आपका अंतिम सही आएगा अंतिम आंकड़ों के अनुसार, तो उसके अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर हमारे पास किसकी है, नंबर एक पे गौतम बुद्ध नगर की है, नंबर दो पे कानपुर नगर की है, नंबर तीन पे देखोगे किसकी है, औरैया की है, नंबर चार पे इटावा है और पांच पे गाजियाबाद है। चलो 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश में किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी, तो देखो सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में है, फिर किस में है, कानपुर नगर में है, वो भी नहीं है, फिर किस में है, औरैया में है, वो भी नहीं है, फिर किस में है, इटावा में है, वो भी नहीं है, फिर किस में है, गाजियाबाद में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर गाजियाबाद लगाओगे, थोड़ा टफ सवाल है लेकिन कॉमन सेंस से भी सोचोगे कि गाजियाबाद सबसे ज्यादा नगरीकृत है तो जो है गाजियाबाद की होगी, लेकिन सॉरी कानपुर तो इसमें दे रखा है ना, तो कानपुर या कानपुर नगर एक ही बात है, तो इस हिसाब से इस प्रश्न का विकल्प सी सही होना चाहिए, ठीक है, इसका विकल्प सी सही होना चाहिए क्योंकि दूसरे नंबर पर कानपुर, वही मैं सोच रहा था कि इतने लंबे कैसे चले गए, क्योंकि पहले या दूसरे में से आंसर में मिल जाता है, तो गौतम बुद्ध नगर नहीं है, कानपुर नगर है, विकल्प सी। आगे देखते हैं जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता वाला, देख रहे हो कई बार ये सवाल पूछा गया है घूम फिर के, तो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले तो याद ही कर लेना कौन कौन से, गौतम बुद्ध नगर है, फिर कानपुर नगर है, मतलब दो नगर है शुरुआत वाले, दोनों नगर है, गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर नगर है, फिर औरैया है, फिर इटावा है, फिर गाजियाबाद है, भाई सब याद कर लो, पांच छह बार तो मैंने ही बोल दिया, याद ही हो जाएगा। तो देखो क्या गौतम बुद्ध नगर है, है, तो नंबर एक वाले को ही लगाएंगे, ये नंबर दो पे कौन सा है, फिर नंबर तीन पे औरैया है, नंबर चार पे इटावा है, नंबर पांच पे गाजियाबाद है। तो इस प्रकार 14वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी 14 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं, 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले निम्नलिखित जिलों का अवरोही क्रम, कितनी बार ये साक्षरता से रिलेटेड सवाल पूछ लिया, फिर भी अगर साक्षरता का सवाल आ जाए और तुम ये क्लास देख के गए फिर भी साक्षरता का सवाल गलत हो जाए तो कसम से चाय बनाना, चार बार उबालना, उसमें डुबकी लगाना और नर्क लोक को प्राप्त कर जाना, है ना, मतलब इतनी बार कोई सवाल करा दिया जाए फिर भी गलत नहीं होना चाहिए। साक्षरता वाले कौन से हैं, गौतम बुद्ध नगर है, दूसरे नंबर पर कानपुर नगर है, तीसरे पर औरैया है, चौथे पर गाजियाबाद नहीं है, चौथे पर इटावा है, फिर गाजियाबाद है, ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षर, हे भगवान, हे प्रभु, हे श्री राम, आगे की लाइन आपको पता ही है, किसकी सबसे ज्यादा है, तो इस हिसाब से इसमें सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, देखो नंबर एक पे गौतम बुद्ध नगर आ जाता है, फिर कानपुर नगर आ जाता है, फिर औरैया आ जाता है, फिर इटावा आ जाता है और फिर आपका आता है गाजियाबाद, तो उस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गाजियाबाद, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, देखो ये फिर अनंतिम पूछा है, अब आपसे अनंतिम नहीं पूछा जाएगा, ये 2011 देखो 2010 के मेंस का है जो 11 के आसपास हुआ होगा इसलिए, ठीक है, अब हमें अंतिम आंकड़े ही ध्यान रखने हैं। मतलब अनंतिम क्या होते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे घर पे ब्याह हुआ है ना, ब्याह हुआ, ब्याह में मोटा मोटा खर्चा पापा कितना बताते हैं, 10 लाख रुपए खर्च हो गया जी लड़के के ब्याह में, वो क्या है, अनंतिम डेटा है, लेकिन सारे बिल लगने के बाद, सब कुछ घटने बढ़ने के बाद, यहां से इतने का माल वापस हुआ, यहां से हलवाई को इतने पैसे और एक्स्ट्रा गए, प्लेट वाले को 20 आदमी एक्स्ट्रा खाने आ गए थे इसलिए, तो इस प्रकार घटने बढ़ने के बाद जो फाइनल डेटा आएगा वो आएगा 9,61,532 रुपए खर्च हुए जी मुन्ना की शादी में, ठीक है, तो ये हो गया अंतिम डेटा, और ऊपर वाला कौन सा हो गया, 10 लाख खर्च हो गए जी, वो अनंतिम डेटा हो गया, तो उसी हिसाब से है, ठीक है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है, है ना, देखो इनमें से सबसे कम में है, तो ये थोड़ा खतरनाक सवाल है, रामपुर में है, है ना, क्योंकि सबसे कम उस समय अनंतिम में रामपुर में बोली गई थी, लेकिन अंतिम में फिर श्रावस्ती हो गया था, तो आपको दिया गया है जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार दिए गए विकल्पों में से रामपुर जिले की महिला साक्षरता दर सबसे कम है, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे कम महिला साक्षरता दर श्रावस्ती में है, है ना, श्रावस्ती हम देखी आए हैं, वो फैक्ट के तौर पर हम याद ही कराए हैं, लेकिन ये क्योंकि अनंतिम आंकड़े, इस वजह से ऐसा सवाल है। आगे चलते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है, तो महिला साक्षरता दर किसमें कम हो जाएगी, श्रावस्ती में। आगे चलते हैं, जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है, हे प्रभु साक्षरता दर से इतना प्रेम है इन्हें, सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाले सवाल पूछे गए हैं, अब सबसे कम वाले आ रहे हैं, तो सबसे कम किसमें है, इनके अनुसार किसमें है, सबसे ज्यादा
श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर, है ना। देखो मतलब श्रावस्ती के बाद तीन बाबा हैं, है ना, बा बा बा, बहराइच, बलरामपुर, बधाइयों, फिर रामपुर है, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखोगे, ये भी याद रख लेना, क्योंकि ज्यादा वाले बहुत सवाल पूछे गए हैं, कम वाले भी कई सवाल पूछे गए हैं। यद्यपि यहाँ हमें श्रावस्ती मिल गया, दूसरे नंबर पर बहराइच है, तीसरे नंबर पर बलरामपुर है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? फिर रिपीट, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा खाया हुआ है मास्टर। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन से हो गए? श्रावस्ती, बलरामपुर, है ना, फिर कौन सा है, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। तो इसमें तो श्रावस्ती दिया ही हुआ होगा, तो आंसर बी लगा ही देंगे। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना के अनुसार निम्नतम साक्षरता दर्ज की गई? फिर सवाल वही, फिर आंसर वही, ऑप्शन नंबर डी, श्रावस्ती, ठीक है। और क्रम भी याद कर लेना, देख रहे हो ना, साक्षरता वाले ज्यादा वाले से भी सवाल खूब पूछा गया है और कम वाले से भी खूब पूछा गया है। क्यों? क्योंकि आपके साक्षर होने की जांच कर रहे हैं भाई साहब, ये जो बालक हम चुन रहे हैं ये पढ़े लिखे हैं कि नहीं, है ना, तो आपको पता होना चाहिए। तो श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, फिर बदायूं और रामपुर, ऐसे ही ज्यादा वाले कौन कौन से थे रिकॉल करो मेरे साथ। गौतम बुद्ध नगर दूसरे नंबर पर रिकॉल करो, दोनों नगर नगर थे, कानपुर नगर तीसरे नंबर पर रिकॉल करो, औरैया चौथे नंबर पर रिकॉल करो, क्या था चौथे नंबर पे, हैं, पांचवें नंबर पे था आपका गाजियाबाद, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका। चलिए आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ों में कौन सुमेलित नहीं है? देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का प्रतिशत 18.5 नहीं है, 16.5% है, तो यही गलत हो गया। बाकी देख लो, जनघनत्व 829 है, जनसंख्या वृद्धि दर है ना कितनी है, 20.23 है ना, ठीक है। महिला साक्षरता कितनी है, 57 है, तो ये तीनों फैक्ट सही है, है ना। इन फैक्ट को भी याद रखना, आपसे अलग से भी सवाल में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर का राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। राष्ट्रीय औसत से कब ज्यादा रही है जनसंख्या वृद्धि दर, है ना, तो जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कब ज्यादा रही है, ये सवाल पूछा गया है। तो ये सवाल थोड़ा सा खतरनाक प्रवृत्ति का सवाल है, ठीक है, है ना। मतलब आपको सारे डेटा याद होने चाहिए, कब ज्यादा रही है, कब कम रही है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 1971 से 1981। एक फैक्ट मैं आपको यहां और बता देता हूं, आप बुक पर लिख लेना, 1971 के बाद से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर हमेशा भारत से ज्यादा रही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 1971 के बाद से हमेशा भारत से ज्यादा रही है, ये फैक्ट अपनी बुक पर लिख लेना, ताकि आगे अगर कोई और विकल्प भी दे रखा हो तो आंसर सही हो। और सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर हमने कब देखी थी उत्तर प्रदेश में, 1991 से 2001 के बीच में। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक थी, तो सर्वाधिक जब सब लिबरल हो गए तो हम भी लिबरल हो गए, दो चार हमने एक्स्ट्रा कर लिए, तो 24 में का डी। सन 2001 से 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो 20.2 थी, ये रही 20.22, इसके निकटस्थ देखोगे तो 20.22 के निकटस्थ देखो क्या है, यही हो जाएगा, है ना, 20% थी 2001 से 11, तो 25 में प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20.09, है ना। ये अनंतिम के हिसाब से दी होगी, कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत डेटा इधर उधर चलता है, हल्का बहुत, ठीक है। अब 20 की जगह 40 मत मारना। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या अनुपात था, 2001 का क्या करना है, 2001 में 998 था, जो 14 बढ़ के अब 912 हो गया है, ठीक है। चलो 2011 की जनगणना के साथ उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात क्या है, तो 912 1000 पे, ठीक है, 912 1000 पे महिलाएं हैं, भारत का पूछे तो 943। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है, तो लिंगानुपात का जो भेद सर्वाधिक रूप से घटा है इनमें से देख लो, 61 से 71, तो 61 से 71 में कितनी कमी हुई, 76 यानी 24 और 7 31 की कमी हुई, यहां बढ़ गए, यहां फिर बहुत कम नहीं हुई, यहां भी बहुत कम नहीं हुई, तो सर्वाधिक
विभेद घटा है तो 1971 वाली जनगणना में, ठीक है, यानी 61 से 71 वाली जनगणना में ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो एक फैक्ट है, इसको याद सा भी कर लेना है ना, पूछ सकता है कभी भी, ठीक है, पूछ सकता है कभी भी। सर्वाधिक विभेद अनुपात सर्वाधिक रूप से घटा है, लिंगानुपात सर्वाधिक रूप से घटा है, ठीक है। तो लिंगानुपात सर्वाधिक रूप से किस में घटा है, है? लिंगानुपात सर्वाधिक रूप से किस में घट गया, उसमें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात से भी खूब सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वो आपका जौनपुर है, ठीक है। नीचे दिए हुए हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, जौनपुर पीछे भी पढ़ के आए थे और डेटा भी याद रखना, आजमगढ़, फिर देवरिया, फिर प्रतापगढ़, फिर सुल्तानपुर। जौनपुर आजमगढ़ तो याद रख ही सकते हो, तीसरे नंबर पर मन याद हो, मन करे तो देवदास को भी याद कर लेना, दैट इज देवरिया, ठीक है। चलो, तो सर्वाधिक वो वाला कौन सा जिला हो गया, है ना, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो गया, जौनपुर। लेकिन वो 2001 से पूछ रहा है, हमने 2011 वाला लगाया है, ठीक है, ये 2011 के अनुसार है, एक का तो क्या ही करोगे चाचा। अब चलो आगे चलते हैं, अब तो 11 वाले भी डेटा बेकार हो जाएंगे थोड़े दिन बाद। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 उन पे शिशुओं पे कितनी है, तो अनंतिम के अनुसार पूछा है, लेकिन अब हमें अंतिम के डेटा मिल गए हैं, तो अंतिम के अनुसार कितनी है, 902 है, 902, जो कि पिछली बार से 916 से 14 अंक कम हो गई है। आगे चलते हैं, जनगणना 2001 पर आधारित उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है, तो ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का, है ना, ये 2001 के डेटा दिए हैं, तो हमें क्या करना है, अभी वाले याद रखने हैं, अभी वाले के हिसाब से गांव की जनसंख्या 77.7 है ना। अब इस प्रश्न में हमें अभी वाले डेटा याद रखने हैं, पुराने डेटा से कोई मतलब नहीं है, मतलब इस प्रकार का प्रश्न वर्तमान डेटा से कनेक्ट करके आपसे पूछ सकता है। पुरुष साक्षरता दर 68 दी है, कितनी है, 67.... पुरुष साक्षरता दर कितनी है, पुरुष साक्षरता दर लगभग 77% है, 70.3 है, ठीक है। जनघनत्व के मामले में 12वां है, अभी 9वां क्रम है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा है, ये सही है, मैं कह रहा था ना महोबा हुआ है, और दूसरे नंबर पर कूट दिए, चित्रकूट है। चलो आगे चलते हैं, तो अब वर्तमान डेटा भी याद रखोगे, इनमें से वर्तमान के हिसाब से सिर्फ ये सही है, बाकी ये तीन गलत है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों पर आधारित उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो ये भी अनंतिम वाला है, तो अनंतिम वाले से अपन को टेंशन नहीं लेनी है, क्यों, क्योंकि अब तो अंतिम डेटा प्रकाशित हो चुके हैं भाई साहब। देखो क्षेत्रफल में यह भारत का चौथा बड़ा राज्य है, ठीक है, देश की जनसंख्या में इसका 16.5% है, ठीक है, इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय से औसत से अधिक है, गलत है। यौन अनुपात का क्या मतलब है, लिंगानुपात, राज्य उत्तर पूरे भारत का लिंगानुपात कितना है, 943, जबकि उत्तर प्रदेश का कितना है, 912, ये फैक्ट गलत हो गया। इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, ठीक है। तो इस हिसाब से अब इस प्रश्न का क्या सही उत्तर होगा, 32 में, ठीक है, तो 32 आपसे पूछ रहा है, 32 में सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ये भी, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय साक्षरता दर से औसत से कम है, क्योंकि राष्ट्रीय साक्षरता दर ज्यादा है, इनकी कम है, ठीक है। चलो, तो इस हिसाब से ये तीन सही हो गए, लेकिन क्योंकि इन्होंने जनगणना 2011 दे रखा है और क्षेत्रफल वाला फैक्ट पूछा है, इसलिए इन्होंने जो आपका आंसर दिया है उसमें ये दोनों फैक्ट सही माने हैं, 2 और 4, ठीक है। लेकिन है ये क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का चौथा बड़ा राज्य है, ये भी सही फैक्ट है। चलो आगे चल लेते हैं, अब जो माना है सो माना है, क्या कर सकते हैं, आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 16.5% जनसंख्या है, 16.5%, ठीक है। अब देख लो 16.5 के आसपास कौन है, 16.16 है, तो अपन अभी यही लगा देंगे, कितने प्रतिशत है, 16.5 है, लेकिन उसके आसपास जो है वही लगा देंगे। चलिए अगला फैक्ट, उत्तर प्रदेश के संबंध में जनगणना 2001 के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हम 2011 के आधार पर देखेंगे। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 21.1% है, अब कितनी है, 20.7%, जबकि आप अनुसूचित जनजाति देखोगे वो कितने हैं, 0.6%। पुरुष साक्षरता दर 69.99 है, नहीं 77 है, टोटल 67 है, 67.6 है और 67.7 है,
77-3 पुरुष, 57-3 महिलाएं। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला लखनऊ है, नहीं, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला अब कौन सा है? गाजियाबाद है। नगरीय जनसंख्या 20.8 नहीं 22.3 है और ग्रामीण सब साथ साथ रहते हैं तो 77.7 है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। वर्तमान की दृष्टि से तो ये चारों ही गलत है, लेकिन इन चारों का सही डेटा क्या होना चाहिए मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से भी आपसे एक टफ लेवल का सवाल पूछा जा सकता है ना, इस प्रकार से भी आपसे एक टफ लेवल का सवाल पूछा जा सकता है। चार फैक्ट देके आपसे पूछे कौन सा सही कौन सा गलत है। चलिए, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। ठीक है, वर्तमान में राज्य की प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। तो ये दोनों फैक्ट सही है, 35वें सवाल में दोनों फैक्ट सही है। यद्यपि आपकी किताब में जो है इसका आंसर डी दिया है, दोनों सही नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं, है ना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं, उसमें भी ये दोनों ही कोई मतलब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में भी ये टेक्स्ट देख सकते हैं जो उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 है उसमें भी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से दोनों सही होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत आच्छादित थे, तो कितने शहर ऐसे थे जो स्मार्ट सिटी में थे? 10 शहर ऐसे थे उत्तर प्रदेश के जो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आच्छादित थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा विरासत शहर हृदय योजना, ये हृदय योजना जो है 2015 में आई थी हृदय योजना, और इसके तहत पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर जो है हृदय योजना के अंतर्गत थे। तो उत्तर प्रदेश के जो हृदय योजना के अंतर्गत थे वो वाराणसी और मथुरा था, है ना, प्रयागराज अयोध्या नहीं था। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो। पूरे देश भर में जो विरासत शहर विकास वृद्धि योजना हृदय योजना जिसका नाम दिया गया है, उसमें पूरे देश में से 12 शहर चिन्हित किए गए थे और 12 शहर में से उन शहरों का कायाकल्प किया जाना था, उन शहरों का विकास किया जाना था। उसमें से हमारे दो थे, कौन कौन से? वाराणसी और मथुरा। ठीक है, तो इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के मिलियन नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर कौन है? टोटल ये तो भारत की जनगणना का सवाल है, इसको यहां देना ही नहीं चाहिए था। खैर, फिर भी उत्तर प्रदेश में मैंने आपको बताया अगर जिले पूछे तो 12 हैं 10 लाख ही है, और जनसंख्या नगर पूछे 2000 या नगर निगम पूछे वो कितने हैं? 7 हैं। अब इनमें से पूछ रहा है 10 लाख ही नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर कौन था, तो अंतिम स्थान पर आपका देश में कोटा था जिसकी जनसंख्या कितनी थी, 10 लाख 10 हजार के आसपास थी, 10 लाख शायद 13 हजार समथिंग थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखोगे सबसे छोटा 10 लाख ये नगर भारत की जनगणना में कौन था? कोटा, राजस्थान। कमेंट में बताओ कोटा से सांसद कौन है, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। जनगणना 2001 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 10 लाखों नगरों का सही क्रम क्या है? ये 2001 पूछ रहा है, हम 2011 के देखेंगे। तो सबसे बड़ा 10 लाख ये नगर कौन सा है? कानपुर नगर है, उसके बाद आपका लखनऊ है। तो कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, ये टोटल 7 नगर हैं जो 10 लाख ये नगर हैं। तो शुरुआत वाले 2-3 तो याद ही रख लेना, सबसे बड़ा कानपुर नगर है, फिर आपका लखनऊ है, फिर गाजियाबाद है, फिर आगरा है। ठीक है, तो देखते हैं कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा क्या कहीं दे रखा है, किसी में नहीं दे रखा है। ठीक है, गाजियाबाद को गायब कर रखा है, तो कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इस हिसाब से भी विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप शुरुआत वाले 3 या 4 याद रखेंगे, कानपुर नगर, फिर लखनऊ है, फिर गाजियाबाद है, फिर आगरा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार फिर वही 3 पूछ रहा है, हमें 3 याद है शुरुआत वाले, सबसे पहले कानपुर नगर है, फिर लखनऊ है, फिर आपका कौन सा है, गाजियाबाद है, फिर आगरा है, फिर वाराणसी है, फिर मेरठ है, फिर प्रयागराज है। इस प्रकार टोटल 7 नगर हैं जो 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले हैं। आगे चलते हैं, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित 4 नगरों में से किसमें सबसे कम जनसंख्या थी? तो निम्न में से 4 2001 के हिसाब से पूछ रहा है, हम 2011 के हिसाब से देखेंगे सबसे कम किसमें। कानपुर तो नंबर 1 पे ही है, कानपुर नंबर 1 पे है, लखनऊ नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे आपका
गाजियाबाद है नंबर चार पे, आगरा है, फिर वाराणसी है। तो इस हिसाब से इसमें सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में लगाइए, है ना। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज्यादा अभी देख रहे हैं 10 लाख की नगर में कानपुर है, यानी दो देखो सबसे पहले किसमें है, तो ये गए, दो के बाद क्या होगा लखनऊ, कानपुर के बाद दूसरे नंबर पर लखनऊ है, अपने आप विकल्प डी सही हो जाएगा, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा, फिर पांचवें नंबर पे बनारस, छठे नंबर पे मेरठ, सातवें नंबर पे प्रयागराज। टोटल 7 ये नगर हैं जो 10 लाख ये हैं। आगे चलते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है, ठीक है। तो देखो भाई, आगरा है, प्रयागराज है, सातवें नंबर का है, ठीक है, मेरठ भी है, छठे नंबर का है, फिर मुरादाबाद नहीं है, लेकिन अब जब भी जनगणना होगी तब मुरादाबाद का नाम आ जाएगा, क्योंकि थोड़े सी ही कम थी 10 लाख से 2011 की जनगणना में। तो 2011 की जनगणना अनुसार मुरादाबाद 10 लाख ये नगर नहीं है। सातों क्रम से याद होने चाहिए, कानपुर नगर, लखनऊ, क्योंकि देखो साक्षरता से सबसे ज्यादा सवाल आ गए, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, रट ले उन डिस्ट्रिक्टों को सबसे ज्यादा साक्षरता किन की है। फिर दूसरे सबसे ज्यादा सवाल आपके जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं मिलियन शहर से, मिलियन शहर जिनको बोलते हैं, मिलियन शहर, ठीक है। तो मिलियन शहर में सबसे पहला कौन सा है, कानपुर नगर है, फिर दूसरे नंबर पर लखनऊ है, तीसरे नंबर पर गाजियाबाद है, चौथे नंबर पर आपका फिर आ जाता है, आपका चौथे नंबर पे क्या है, आगरा, आगरा वाराणसी है ना, आगरा है चौथे पे, फिर वाराणसी है, छठे पे मेरठ है, सातवें पे आपका प्रयागराज है। तो इनको याद रखना। चलो, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस वर्ष जो है 10 लाख ये बने हैं, तो किस वर्ष ये 10 लाख ये नगर बने हैं, तो ये 71 और 81 में बने हैं 10 लाख ये नगर, ठीक है। तो फैक्ट है, फैक्ट के तौर पर याद रख लेना, कानपुर 71, लखनऊ 81, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम किसमें है, तो ये फैक्चुअल सवाल है, इसका आंसर होगा अहमदाबाद, ठीक है। अब ये भारत का उसका है, पता नहीं इसमें पूर्वावलोकन में क्यों दिया है, लेकिन दिया है, तो हम लोग देख लेते हैं कि मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम किसमें है, क्या कहते हैं, अहमदाबाद में, ठीक है। चलो, 2011 की जनगणना के अनुरूप निम्नांकित उत्तर प्रदेश के जिले में किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले की लोगों की संख्या अधिकतम है, तो सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, प्रयागराज, उन्नाव, वाराणसी और हमीरपुर। तो देखो, प्रयागराज या इलाहाबाद है क्या, तो ऑप्शन नंबर ए ही है, इलाहाबाद या प्रयागराज। इस प्रकार 46 का आंसर क्या हो जाएगा, 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलो, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल कितने, लगभग कितने हैं, तो मैंने आपको बताई थी टोटल आबादी में से 52% क्या है पुरुष हैं और 48% क्या है महिलाएं हैं। तो देख लो, 48% क्या है महिलाएं, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 25% से कम शहरी क्षेत्र में रहता है, बिल्कुल सही फैक्ट है, क्यों, क्योंकि कितना रहता है, 22.3%, ठीक है। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है, तो भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में नहीं रहती है बल्कि महाराष्ट्र में रहती है, इस प्रकार ये फैक्ट गलत हो जाएगा, यही पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो बी मिल जाएगा। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, बिल्कुल सही बात है, तीनों बाद वाले थे, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, ठीक है, तीनों को याद रखोगे तो ये भी सही है। कवाल नगर 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले नगरों की श्रेणी में आते हैं, तो ये एक टर्म है, KAVAL, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और आगरा और लखनऊ, है ना, कवाल नाम दे देते हैं इनको। चलो आगे चलते हैं, तो इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर क्या सही होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही सुमेलित नहीं है। वर्ष 2013 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, उत्तर प्रदेश में जन्मदर प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत में जन्मदर से कम थी, उत्तर प्रदेश में जन्मदर प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत में जन्मदर से अधिक थी, उत्तर प्रदेश में जन्मदर 25 से अधिक थी, उत्तर प्रदेश में जन्मदर 30 थी, ठीक है। चलो, तो उत्तर प्रदेश में जन्मदर 25 से अधिक थी 2013 में, ये करंट अफेयर्स का सवाल है, 2013 में कोई डेटा आए होंगे उस हिसाब से सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है, कोर करंट अफेयर्स का सवाल है। कभी कभी जैसे और भी संस्थान जो है जनगणना के आंकड़े रिलीज करते हैं तो उससे संबंधित है, ठीक है। चलिए,
उत्तर प्रदेश का जनसंख्या अधिक है, किस किस से अधिक है? तो सबसे पहली जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो चाइना के पास, दूसरे नंबर पे हम हैं भारत, तीसरे नंबर पे जो आपका आ जाता है वो आ जाता है आपका अमेरिका, फिर आ जाता है इंडोनेशिया और पांचवें नंबर पे आ जाता है ब्राजील। ये जनसंख्या के मामले में देश है। अब देखो किस किस से ज्यादा है, तो इंडोनेशिया से ज्यादा तो नहीं होगी, बांग्लादेश, जापान, पाकिस्तान। तो देखो जिसमें बांग्लादेश, जापान, पाकिस्तान, वो 1-3-4 है क्या? हाँ 1-3-4 है। क्यों? क्योंकि विश्व में इनके पास फोर्थ नंबर पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है। और अब जनसंख्या के मामले में अगर खाली उत्तर प्रदेश ही ले लो ना, तो पांचवें नंबर पे ब्राजील की जगह उत्तर प्रदेश है ना। हमने जनसंख्या के मामले में चार देश के बाद पांचवें अगर देश के भी नंबर ले लो ना, तो हम आ जाएंगे उत्तर प्रदेश। चलो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है तो किस किस से अधिक है? तो ब्राजील से भी। अब सवाल का पूछा गया है 2009 में पूछा गया है, तो इस समय ब्राजील नहीं आएगा, इस समय फिर आ जाएगा 3 और 4 जापान। और वर्तमान दृष्टि से अभी तो इसका आंसर 3 और 4 होगा प्रश्न के हिसाब से, लेकिन वर्तमान दृष्टि से इसका आंसर 1-3-4 होगा। क्यों? क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार हमने ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया था। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति का लक्ष्य महिलाओं की विवाह आयु को 19.5 वर्ष तक बढ़ाना है। कब तक? तो ये 2016 तक, पहले वो थे आंकड़े के 2016 तक हमें चीजें करनी है, जो अनुपात है उसका प्रजनन का वो 2.1 लाना है। अब ये सारे लक्ष्य 2026 तक के लिए निर्धारित कर लिए गए हैं। चलो वर्ष 2000 में घोषित उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य सकल प्रजनन दर को 2.1 तक लेके आना था। कब तक? 2016 तक। और अब जो 2021 में जनसंख्या वाली नीति घोषित हुई है उसमें यही लक्ष्य 2026 तक प्राप्त करना है। चलिए 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम घनी आबादी वाला जिला कौन सा है? तो घनी आबादी का मतलब क्या हो गया? सबसे ज्यादा जनघनत्व कहां है? तो सबसे ज्यादा जनघनत्व, सर आप बता रहे थे गाजियाबाद में, सेंटर ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है, यही बात याद रखना। मतलब सबसे ज्यादा जनघनत्व कहां है? गाजियाबाद में है। और सबसे कम जनघनत्व कहां है? ललितपुर वाले भाई साहब लटके हुए थे तो यहां कह रहे थे यहां दूर दूर रहो, है ना। ऐसे ही सोनभद्र कोने में लटका हुआ था तो वहां में भी कह रहे थे दूर दूर रहो। तो ललितपुर और सोनभद्र ये दो सबसे कम वाले हैं। देख लो, देखो गाजियाबाद बागपत दिया है गाजियाबाद के साथ, कानपुर नगर के साथ सोनभद्र दिया है ना, और आपको वाराणसी के साथ ललितपुर दिया है। तो 2001 के हिसाब से पूछ रहा है और 2011 के हिसाब से हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, तो उस हिसाब से इसका आंसर होगा गाजियाबाद। अब विकल्प है ही नहीं, किस लिए नहीं है? क्योंकि 2001 का पूछा है, हम 2011 का देखेंगे, गाजियाबाद और ललितपुर। ठीक है, ललितपुर, ठीक है, तो इनको याद रखोगे गाजियाबाद और ललितपुर को। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? आंख बंद करनी है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बजरंगवली नहीं लगाना है, गाजियाबाद लगाना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण कहां पाया जाता है? सर्वाधिक सांद्रण पूछे, जनघनत्व पूछे, सबसे घना जिला बसा हुआ जिला पूछे, तो क्या हो जाएगा आपका? क्या कहते हैं, गाजियाबाद। लेकिन गाजियाबाद के बाद दूसरे नंबर पे कौन है? वाराणसी है। ठीक है, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा गाजियाबाद में है, फिर बनारस, फिर लखनऊ में है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा गाजियाबाद में सेंटर ढूंढने में दिक्कत होती है, फिर बनारस वाला गाना बताया, और तीसरे नंबर पे आपका लखनऊ है। तो सर्वाधिक जनघनत्व देखो गाजियाबाद इसमें है नहीं, क्या बनारस इसमें है नहीं, फिर इसमें क्या है? इसमें तो कुछ भी नहीं है, लखनऊ भी नहीं है, है ना। तो इस हिसाब से फिर और आगे चलते चले जाओगे तब जाके आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। चूंकि ये 2005 का है तो इसमें 2004 के एक की जनगणना के हिसाब से आंकड़े आपसे पूछे गए होंगे। ठीक है, लेकिन वर्तमान दृष्टि से भी अगर देखोगे तो पांचवें नंबर पर फिर कानपुर नगर इसमें आंसर आएगा। तो उस हिसाब से फिलहाल आपसे अब मैक्सिमम 3 से ज्यादा का कोई भी डिटेल वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा गाजियाबाद, फिर बनारस वाली गली, और फिर आपको लखनऊ। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? फिर वही सवाल, रिपीट रिपीट रिपीट, 2-3 प्रकार के सवालों से मोहब्बत है, साक्षरता से मोहब्बत है, महिला साक्षरता से मोहब्बत है ना, जनघनत्व से मोहब्बत है। जो सवाल कई बार पूछे जा रहे हैं उनका विशेष ध्यान रखना है। चलो 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व धारण करता है? तो 2001 का हमें पता नहीं, हम किसका याद रखेंगे? हमारा सबसे 2011 के हिसाब से गाजियाबाद है, फिर बनारस है, फिर लखनऊ है। ठीक है, चलो फिर भदोही, फिर कानपुर नगर है,
फिर 2011 की जनगणना के अनंतिम, अब देखो अनंतिम आंकड़े क्यों 2011 में सवाल पूछा गया है, फिलहाल हम अंतिम के हिसाब से देखेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम में हमें लगाना है, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा किसकी, फिर उसके बाद किसकी, फिर उसके बाद किसकी और उसके बाद किसकी। तो यहां मैं आपको जब जनसंख्या के डेटा बता रहा था तो मैंने आपको क्या बताया, तीनों बाद वाले हैं, मतलब सबसे ज्यादा इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, ये टॉप थ्री बताए थे। तो नंबर एक पे इलाहाबाद लगाओ, नंबर दो पे गाजियाबाद लगाओ, क्योंकि मुरादाबाद इसमें है नहीं। तो एक तीन देखो किसमें है, एक तीन ए में ही है, विकल्प ए में ही एक तीन है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, एक तीन दो चार, ठीक है, एक तीन दो चार। चलो अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, ठीक है। चलो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या आपकी कहां है, इलाहाबाद में, नंबर एक, नंबर दो मुरादाबाद, नंबर तीन गाजियाबाद, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, जिले की बात हो रही है, उस हिसाब से इनका क्रम यही है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है, इलाहाबाद में, नीचे आपका फैक्ट भी दे रखा है। आगे देखते हैं जनगणना, 10-11 सवाल और रह गए, खत्म करते हैं फिर आपका पूरा जनगणना, ठीक है। मतलब एक बहुत स्पेशल सी ये क्लास हो गई कि इसमें आपने आगे सारे फैक्ट पढ़े और बाद में सारे प्रश्न कर लिए जो आपके पिछले वर्षों की परीक्षाओं में आए हैं, है ना, और फिर ये भी देख लिया कि कौन से फैक्ट ज्यादा पूछे जा रहे हैं। सर मैं तो अभी नहीं कोई ज्यादा ध्यान में रख लूंगा, ठीक है। तो जब इतनी बढ़िया क्लास है तो लाइक कर दो, बाकी कमेंट के माध्यम से, लाइव में नहीं कमेंट के माध्यम से भी बताया करो कि क्लास आपको कैसी लग रही है, दोस्तों के साथ जरूर साझा वाजा कर लिया करो, ठीक है। चलो जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या न्यूनतम है, तो महोबा, पहले कह रहा था मैया हुआ है मैं वहां नहीं रहूंगा, ठीक है, और दूसरे नंबर पे चित्रकूट थी, कूट दिए गए थे इसलिए वहां ज्यादा नहीं रह रहे थे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी, तो आपको याद रखना है महोबा, महोबा के बाद कौन सा आ रहा है, चित्रकूट, फिर हमीरपुर, फिर श्रावस्ती है। चलो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में जनसंख्या 2001 के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो ये 2001 का हिसाब किताब है, हमें किसका याद रखना है, 2011 का याद रखना है। तो 2011 के हिसाब से देखोगे तो नंबर वन पे भी इलाहाबाद ही है ना, इलाहाबाद के बाद फिर देखोगे तो इनमें से लखनऊ ही बड़ा होगा, ठीक है। तो एक तीन देखो, एक तीन किसमें दिए शुरू में, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। मतलब अब जैसे मान लो क्रम वाइज जिले ना दिए हों, कुछ अटपटे जिले दे लें, तो वहां कॉमन सेंस लगाओ कि कौन सा जिला इसके बाद बड़ा हो सकता है, उस हिसाब से प्रश्न का उत्तर दे लो, है ना। अब यहां इलाहाबाद के बाद लखनऊ ही बड़ा होगा, ना कि गोरखपुर और मथुरा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन 2011 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है, कौन सही नहीं है, यह देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है, बिल्कुल सही फैक्ट है। यहां देश के सर्वाधिक बच्चे, जब जनसंख्या सबसे ज्यादा अपने पास है तो बालक भी तो सबसे ज्यादा हमारे ही होंगे। चलो इसकी दशकीय वृद्धि कितनी है, 18.4 नहीं है, 20.23 है, ठीक है। इसका लिंगानुपात 908 है, अभी अनंतिम वाले आंकड़े दिए ना, तो लिंगानुपात 912 है, इसलिए दो फैक्ट गलत है, लेकिन ज्यादा ये जो है ये वाला फैक्ट अनंतिम के हिसाब से गलत था, है ना। चलो इस हिसाब से, क्योंकि अनंतिम आंकड़े दिए हैं, अंतिम आंकड़े होते तो एक ही गलत होता, फिलहाल दो फैक्ट गलत है, तो आप इस चीज को ध्यान रखोगे, पहली बात तो ऐसा प्रश्न आएगा नहीं, और आ जाए परीक्षा में इसमें दो फैक्ट गलत हो तो जौन सा आपको लग रहा हो ज्यादा गलत है वो टिक मार के चले आना। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसी क्रम में हमारे यहां जनसंख्या है, इसी क्रम में हमारे यहां जनसंख्या है, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा स्थान हो जाएगा हिंदू, मुस्लिम, सिख का, चौथे नंबर पर ईसाई, पांचवें नंबर पर जैन, और सबसे कम जो है वो बौद्ध है उत्तर प्रदेश में। चलिए उत्तर प्रदेश में 15वीं जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया तिथियों का, अब बिल्कुल प्योर जो है करंट अफेयर्स का सवाल है, प्योर करंट अफेयर्स का सवाल है। अब आप क्या करोगे कि जनगणना की पहली तिथि क्या थी, दूसरी तिथि क्या थी, हाँ एक तिथि याद रखोगे कि अनंतिम डेटा कब प्रकाशित हुए हैं, ठीक है, अनंतिम डेटा कब प्रकाशित हुए हैं ये आपको याद रखना है, जो मई 2013 में हुए थे। उत्तर प्रदेश के निम्न चार जनपदों को 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो अनुसूचित जनजाति वर्तमान में सबसे कम सोनभद्र में है, ये बात आप याद रखोगे, और उस समय के हिसाब से इसका आंसर था सबसे ज्यादा जो है खीरी में थी, खीरी में थी, श्रावस्ती में, बलरामपुर में थी, फिर आपके बहराइच में थी, फिर श्रावस्ती में थी। तो अब इस सवाल से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ अभी हम ये याद रखेंगे कि अनुसूचित जाति जनजातियां सबसे ज्यादा
कहां है, ठीक है। तो अनुसूचित जाति जो सबसे ज्यादा थी वो सीतापुर में थी, सीता माता ने सबको अपने पास बुला लिया था, और अनुसूचित जनजाति जो सबसे ज्यादा थी वो सोनभद्र में थी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन से हैं? सोनभद्र, बलिया और देवरिया। अब उस हिसाब से इस प्रश्न में कोई नहीं होगा, तो अभी आपको याद रखने हैं सर्वाधिक एसटीज अनुसूचित जनजाति कहां मिल रही है? सोनभद्र, बलिया, देवरिया में, ठीक है। चलो, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा हो जाएगा? इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका? सोनभद्र। नंबर दो पे बलिया है और नंबर तीन पे पिछले सवाल में हमने देखा सोनभद्र, बलिया, देवरिया है, ठीक है। तो आप सोनभद्र को याद रखोगे। उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा है, तो कुल जीवन प्रत्याशा 63 वर्ष है, मोटा मोटा याद कर लो। पुरुष 1 साल कम जिएगा, 62 जिएगा, महिला 1 साल ज्यादा जिएगी, 64 जिएगी, ठीक है। चलो, तो कितनी है पुरुषों की जीवन प्रत्याशा देख रहा है, तो 61 के आसपास, मतलब 62 के आसपास होनी चाहिए। कोई नहीं है, इसमें से पुराना सवाल होगा। हाँ, 2001 के हिसाब से सवाल है, तो ये 2011 की जनगणना के हिसाब से है। नीचे आपके अपडेटेड डेटा लिखे हुए हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे अपडेटेड डेटा को, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश, अब जैसे पुराने हैं तो उनमें घबराहट नहीं है, अरे सर आप पुराने पुराने सवाल को लेके आते हो। सवाल इसलिए लाता हूं ताकि आपको पता चल सके कौन सा सवाल ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश मूलतः एक ग्रामीण राज्य है, हाँ, उसकी जनसंख्या का केवल 20.7% नगरों में रहती है। यह भी पुराना है, अब ये डेटा कितना हो जाएगा? 22.3% नगरों में रहती है, ठीक है। तो अब इसमें क्यों लगाओ? उत्तर प्रदेश ग्रामीण राज्य है क्योंकि उसकी केवल 20% जनसंख्या नगरों में रहती है, मतलब 77.7% लोग अभी भी गांव में रहते हैं। फैक्ट भी सही है और उसका कारण भी सही है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आज की क्लास का अंतिम सवाल, उत्तर प्रदेश, मैं कह रहा था ना सवाल आएगा, पूछा डायरेक्ट नहीं पूछा है ना, मेरा मन है डायरेक्ट पूछे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, फैक्ट के माध्यम से पूछा है उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल, लेकिन उसमें भी लगभग लगा दिया 241,000 वर्ग किलोमीटर है, तो बात सही है, 240,928 है, ठीक है, तो 241,000 लगभग दे दिया। सेक्स या लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या यूपी में 2001 की जनगणना के अनुसार 933 था, हमें नहीं पता, अभी का याद रखना है कितना है, 912 है, ठीक है, और वो भी 933 नहीं था, है ना, 898 था, ठीक है। उत्तर प्रदेश 17 राजस्व मंडल हैं, अभी कितने हैं? 18 राजस्व मंडल हैं, अभी हमारे पास कितने हैं? 18 राजस्व मंडल हैं, 17 नगर निगम हैं। उत्तर प्रदेश में साक्षरता 2001 के अनुसार 60.1 थी, अब आप याद रखोगे 67.7 है, तो वर्तमान फैक्ट याद रखोगे। इस तरीके से भी कई बार सवाल पूछे गए हैं, तो हमने अब तक क्या देखा? सारे डेटा देखे, आप इस क्लास को 2-3 बार देख जाइएगा, है ना। साक्षरता से सवाल बहुत पूछे गए हैं, जनसंख्या घनत्व से सवाल बहुत पूछे गए हैं, महिला साक्षरता से बहुत सवाल पूछे गए हैं, है ना, जनसंख्या के क्रम से सवाल बहुत पूछे गए हैं। ये 4 फैक्ट तो ऐसे हैं जो आपकी जुबान पर रटे ही होने चाहिए, क्योंकि इनसे कई कई सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अगले नए सेशन में, एक अगली नई क्लास में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो इसी चैनल पर आपको ज्योग्राफी पूरा लगभग कंप्लीट कराया जा चुका है, उसको भी आप देख सकते हैं। एनवायरमेंट इकोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आपने कंप्लीट पढ़ ली है, इसी तरह के प्रश्नों की श्रृंखलाओं के माध्यम से उनको आप सब लोग देखते रहिएगा। साइंस भी हम लोगों ने काफी कर ली है, भौतिकी तो कर ली है, ठीक है। चलिए, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो कैसा लगा है कमेंट के माध्यम से बताते चलिए, है ना, आपकी जो प्रतिक्रिया है वो हमें क्या करती हैं, और भी ज्यादा उत्साह हमको देती हैं कुछ नया करने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक अगली नई क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।